नमस्कार, पहला मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। सबसे पहले तो न्यूज़ 31 की तरफ से आप सभी को अ वेरी हैप्पी दिवाली। तो आज हम आए हैं हल्द्वानी में मार्केट में, तो यहां पे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मार्केट आज पूरा रोशनी से भरा हुआ है। मार्केट ही नहीं बल्कि लोगों के घर भी, क्योंकि दिवाली का टाइम है। आपको पता है दिवाली की शाम कितनी मतलब हसीन होती है, कितनी खूबसूरत होती है। सभी लोग अपने घरों के बाहर दिए जलाते हैं, लाइट्स लगाते हैं। तो आज हम मार्केट में आए हैं, लोगों से बातचीत भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हल्द्वानी में अभी इस समय रात को जो है माहौल कैसा बना हुआ है। और जो मेन चीज़ है दिवाली में, भाई देखो, लाइट्स तो इम्पॉर्टेंट होती हैं लेकिन मिठाई भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो अभी हम लोग निकल रहे थे तो यहाँ पर बहुत सारी मतलब स्टॉक में मिठाइयाँ रखी हुई हैं, तो हम आपको दिखा देते हैं मिठाइयों का थोड़ा बहुत नज़ारा कि कितनी मिठाई यहाँ पर है। जैसा कि हम लोग मौजूद थे भुक्कलाल मिठाई वालों के यहाँ पर, तो यहाँ पे ग्राहकों से भी बात कर लेते हैं। मिठाई तो हमने आपको दिखा दी है, दिखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अब लोग जो खाते रहते हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। आपका नाम? हिमांशु। यहाँ मिठाई खरीदने आए हैं, कैसा लगता है यहाँ का टेस्ट? वैसे तो मैं बाहर से हूँ, पहली बार आया हूँ। पहली बार आप आए? ये लोकलाइट है यहाँ पे मेरे साथ, मेरे रिलेटिव है। अच्छा, तो इनको ज्यादा आइडिया है यहाँ का। आपका नाम क्या है? मैम प्रियंका। तो आपको टेस्ट का यहाँ का पता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा है। मैं इससे पहले एक या दो बार यहाँ ट्राई कर चुकी हूँ और उसके अलावा भी मैंने यहाँ की कुछ डिशेस ट्राई की हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आई थी, और यही रीज़न है जो मैं दोबारा आई। दोबारा है तो मेनली आपने क्या ट्राई किया, क्या ऐसा खास लगा आपको जो आप दोबारा आई हैं? लास्ट टाइम बेसिक जो रीज़न है दोबारा आने का वो मिठाई नहीं है, वो छोले भटूरे हैं। बट इस टाइम मिठाई ट्राई करने आए हैं एंड लेट्स सी कैसी होती है। अच्छा, तो ये लोग यहाँ पे मिठाई ट्राई करने, इससे पहले उन्होंने छोले भटूरे खा रखे थे तो उनको पसंद आया टेस्ट। तो यहाँ पर हम लोग खड़े थे मिठाई की शॉप में, तो यहाँ पे बहुत लोग आ रखे हैं मिठाई करने। आप देख सकते हैं कि दिवाली है तो सबने अच्छा सा ड्रेसअप किया है। मैम भी बहुत खूबसूरत लग रही है। नमस्कार मैम। नमस्ते। आपका नाम? रेनू। कैसे चल रही है दिवाली की तैयारी? दिवाली की तैयारियाँ बहुत अच्छे से चल रही हैं। सेलिब्रेशन अभी घर पे कैसे है? घर में अच्छा माहौल बना हुआ है, सब आए हुए हैं गेस्ट वेस्ट। तो कोरोना के बाद कुछ अच्छा फील हो रहा है कि हाँ इस बार? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। फ्रेंड्स के साथ बस जाएंगे, थोड़ी स्वीट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू मैम। नमस्कार भैया। हाँ बताइए। आपका नाम? विकास। भैया इस बार की बिक्री कैसी जा रही है दिवाली? ठीक है, कोई इशू नहीं है, नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है जैसा कि हर साल अभी तक चला है सेम तरीके से। तो पिछले दो सालों से अब में कुछ फर्क है या फिर नॉर्मल है? नॉर्मल है, जैसे हर हमेशा का ट्रेंड रहा है अभी तक सेम ही चल रहा है। तो ये मिठाई लोग खरीद रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ऐसा कुछ दिक्कत का सामना करना नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई। दिवाली अच्छी जा रही है सब? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। दिवाली की रौनक दिखाने के लिए तो यहाँ पर एसएसपी मैम अपनी ड्यूटी दे रही हैं, यहाँ पर वो मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दिवाली की। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। मैम किस तरह की यहाँ पर जब आपकी ड्यूटी लगी हुई है तो किस तरह की प्रतिक्रिया होती है? हम लोग अभी इस वक्त जेल तराहे पे खड़े हुए हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस वक्त शाम के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा दबाव है यहाँ पे ट्रैफिक का, और हमारे यहाँ पे सीपीयू वाले भी लगे हुए हैं और ट्रैफिक से भी लगे हैं, सिविल पुलिस से भी हम लोग ड्यूटीज़ दे रहे हैं और हमारे सभी ऑफिसर्स राउंड लेकर के सुपरवाइज भी कर रहे हैं। तो इस वक्त हम देख रहे हैं ट्रैफिक काफ़ी स्मूथली चल रहा है, दबाव तो है बट द व्हीकल्स आर मूविंग। तो जिस तरह से आप ड्यूटी अपनी निभा रहे हैं तो उस हिसाब से सब कंट्रोल में है अभी फिलहाल? अभी तक तो ऐसे ही, अभी तक कंट्रोल में है सब। हाँ, हाँ। तो यहाँ पर मैम मौजूद हैं और बहुत सारे पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो हम लोग आ गए हैं मेन मार्केट में। अब हम यहाँ आपको दिखाते हैं कि रात को जो है दिवाली के टाइम पे बाजार में क्या रौनक आई है, क्या रौनक छाई हुई है। आप ऊपर भी देख सकते हैं किस तरह से बाजार को जो है सजाया गया है और यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। कुछ लोग जो है यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं और कुछ लोग जो है यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए हुए हैं। बहुत से स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग चलेंगे अंदर।
नमस्कार जी, कैसा चल रहा है व्यापार? बहुत बढ़िया। बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया। तो दिवाली की क्या कुछ तैयारियाँ हो गई है? दिवाली की बहुत तैयारियाँ हो गई है, गन्ने की लक्ष्मी बनती है, उनकी काफी तैयारी हुई है। तैयारी हो गई है, पूजा की सारी सामग्री, पूजा की सारी सामग्री अब तो बिक चुकी है। लोग तो तैयारी पहले से कर रहे थे ना, लोग डर के मारे पहले से ही तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब तो डर गायब हो गया। अच्छा, और क्या, अब फार्म हाउस हो गया क्या? लॉकडाउन खत्म, लॉकडाउन 20 तारीख तक। अच्छा, 20 तारीख तक लॉकडाउन खत्म हो गया, लेकिन फिर भी ध्यान तो रखना ही है ना? हाँ, ध्यान तो रखना ही है। आपने क्या तैयारी करी है दीपावली? मैंने तो खाली बच्चों को तैयार करे, मेरे एक तीसरा बेटा और आ गया भगवान ने, और क्या चाहिए इससे बड़ी। बच्चों को तैयार कर लिया, तीसरा बेटा और आ गया है उनका, इससे बड़ी क्या तैयारी करूंगा मैं, बताइए। कैसी जा रही है इस बार की दिवाली? अच्छी है, कोई ऐसा नहीं है, काम अच्छा है। काम अच्छा है, लोगों ने खरीदारी कर ली है, क्योंकि अब तो दिवाली है समझो, तो काम बहुत अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है। हाँ जी, काम बहुत अच्छा है। जी जी, तो कैसा चल रहा है दिवाली इस बार? अच्छी जा रही है, बिक्री हुई है कुछ? बिक्री हुई है ना दिवाली, क्योंकि है दिवाली आज, तो क्या कहते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है? सब कुछ अच्छा है, अच्छा बढ़िया हो रहा है, दिवाली अच्छी हुई है। आप कब से बेचती हैं ये? हमें होगा 4 दिन। आप कहाँ रहती हैं? यहीं लोकल की रहते हैं। अच्छा, पर किराए का कमरा हमारा, किराए का घर है। हाँ, तो अभी काम आपका अच्छा चल रहा है, इस बार बिक्री काफी हुई है। हाँ, दुकान इस बार की दिवाली अच्छी मन जाएगी। हाँ, दिवाली अच्छी हुई है और वो मालिक की दुआ से। स्टूडेंट जो सामान खरीद रहे हैं इनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? मनसा। कैसी जा रही है इस बार की दिवाली? दिवाली है तो क्या कुछ खरीद लिया? कुछ भी नहीं, ऐसे कुछ नहीं खरीदा। ऐसा कुछ नहीं खरीदा, तो इस बार कुछ खास नहीं करी, क्योंकि 2 साल बाद अभी अच्छे से मना पा रहे हैं लोग? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी ऐसा कोई खास नहीं है, मतलब इस बार की दिवाली नॉर्मली जा रही है। जी जी, क्यों, महंगाई की वजह से या फिर ऐसे ही बस नॉर्मली सेलिब्रेट करते हो? नॉर्मली करते हैं, नॉर्मली आप सेलिब्रेट करते हैं। नमस्कार अंकल जी। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम शकील अहमद। सर, कैसा चल रहा है सब कारोबार? क्या आप बोल रहे हैं? तो बिल्कुल है ही नहीं, खत्म ही हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया कारोबार। बिक्री क्या इस बार की दिवाली का? बिल्कुल अगले साल के मुकाबले 25%। बस बिल्कुल 25%, ठीक ही हो गई दिवाली, ठीक ही हो गई दिवाली, मतलब लोगों में अब वो उत्साह नहीं दिख रहा है। ही नहीं ना आतिशबाजी का पता, ना खेल खिलौनों का पता है, किसी चीज, हर कारोबार पाला पीट रहा है इस टाइम। लोगों ने कहा कि महंगाई काफी हो गई है इसकी वजह से, बेसाम महंगाई भी काफी हो गई है, वो खरीद नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल खरीद ही नहीं पा रहे हैं, बच्चों को देखें, अपने को देखें या खाने पीने को देखें। तो हमने आपको दिखा दी है मार्केट की रौनक भी दिखा दी है, मिठाई की शॉप पे कैसी रौनक लगी है वो भी दिखा दी है, क्योंकि दिवाली है। तो मैं यही उम्मीद करूंगी आप लोगों से भी, मैं यही कहना चाहूंगी कि दिवाली को बहुत सेफली मनाएं और मतलब अच्छे से मनाएं, परिवार के साथ हर्षोल्लास से मनाएं, क्योंकि कोविड के बाद ये जो दिवाली है काफ़ी मतलब एक्साइटेड वाली हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो हमने आपको इसीलिए रात को हल्द्वानी का जो है वो कैसा माहौल बना हुआ है वो भी दिखा दिया, दिक्कतें क्या हैं वो भी दिखाई हैं, और कैसे लोग खुश हैं वो भी हम दिखा चुके हैं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ, और एक बार फिर से न्यूज़ 31 की ओर से और मेरी तरफ से आप सभी को अ वेरी हैप्पी दिवाली। बाय बाय।